नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। चकिया प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय सागर मठिया के प्रधानाध्यापक कर रहे हैं मनमानी। पूर्व प्रधानाध्यापक नहीं मानते जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बात। कहते हैं कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ शिक्षकों को ईश्वर का रूप दिया जाता है, लेकिन शिक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। जिस विद्यालय में पढ़ाई की जगह राजनीति और लोभ प्रवेश कर जाता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ रूप से चल सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब पूर्व प्रधानाध्यापक को क्या लालच है कि अभी तक अपना प्रभार नहीं दे रहे। मामला चकिया प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय सागर मठिया की है, जहां पूर्व प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार ठाकुर के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के बावजूद भी अभी तक प्रधानाध्यापक तेज नारायण शाह को प्रभार नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से कक्षा 8 के उत्तीर्ण बच्चों का अभी तक स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। बच्चे और उनके परिजन बार बार विद्यालय और शिक्षा विभाग के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिलता नहीं दिख रहा है। इसी बाबत आज सागर मठिया राजकीयकृत मध्य विद्यालय में अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों का कहना है कि मेरे बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से दूसरे विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाया है, जबकि सरकार के द्वारा नामांकन के अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। समय सीमा के अंदर अगर बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया तो 1 वर्ष की देरी हो जाएगी और बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। बात इस विद्यालय की केवल प्रभार की ही नहीं, अभिभावकों एवं भूदाता के द्वारा यह भी आरोप लगा है कि पूर्व प्रधान अध्यापक सत्येंद्र कुमार ठाकुर अपने मनमाने ढंग से मध्यान्ह भोजन कराते हैं और कभी भी यहां सही ढंग से बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिलता है। दो प्रधानाध्यापकों की लड़ाई में आखिर इस स्कूल के बच्चों का क्या दोष है, जिसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहना है? मेरा कहना है कि यहाँ पर दो शिक्षक हैं, तेज नारायण शाह और सत्येंद्र ठाकुर, दोनों आदमी प्रभारी के लिए लड़ाई करते हैं। सुबह में स्कूल में आता है लोग, मॉर्निंग स्कूल है, 6:30 बजे से लेकर के लोग 1 घंटा लड़ता है कि हम HM है तो हम HM है। अच्छा, वरीय पदाधिकारी लोग कभी इनका चिट्ठी निकलता है, कभी उनका चिट्ठी निकाल देता है। आई लोग स्कूल में आकर के लड़ना शुरू करता है, बच्चे का भविष्य खराब कर रहा है। लोग पढ़ाई से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ मध्यान्ह भोजन भी चलता है तो कभी जला खाना बनता है, सड़ा हुआ चावल रखता है। लोग जांच करने के बाद कहता है लोग कि इसके बाद सुधार जाएगा, सुधार जाएगा। कोई अभी तक सुधार नहीं है, यही मेरा कहना है। हमको विभागीय नियमानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के पत्राचार 14 दिनांक 29/3/2022 के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चकिया के द्वारा ज्ञापन 177 दिनांक 16/4/2022 के द्वारा मुझे विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक पर अधिकृत किया गया और मुझे प्रभार हस्तगत करने के लिए श्री सत्येंद्र कुमार ठाकुर पूर्व प्रभारी को आदेश दिया गया, लेकिन इन्होंने उस आदेश का अवहेलना करते हुए विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभी तक बहुत सारे बच्चे का बाकी है, जो नामांकन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको समय से नहीं मिला और इनके दबंगता के चलते विद्यालय के जो स्थिति है दयनीय हो गया है। ये अपने आप को प्रभारी घोषित कर लेते हैं और हमारा बात नहीं मानते हैं।